नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। बालाघाट, रामकिशोर कावरे ने कहा, जरूरतमंद तक पहुंचेगी हर संभव सहायता। आपको बता दें, कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए बालाघाट जिले में भी 3 मई 2020 तक के लिए टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया। देश में कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी के चलते विधायक रामकिशोर कावरे द्वारा बालाघाट क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत लोहारा के ग्रामीण गरीब जरूरतमंद को लॉकडाउन के तहत भोजन व राशन की सामग्री वितरित की गई, जिसमें दाल, चावल, चाय, शक्कर, तेल इत्यादि शामिल थे। साथ ही लोहारा के ग्रामीणों को रामकिशोर कावरे ने इस कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए साफ स्वच्छ रहने की सलाह के साथ मास्क भी वितरित किए गए। एक तो विधानसभा परसवाड़ा में जिन गरीब परिवारों को हम मदद दे सकते हैं, ऐसे परिवारों को चिन्हित करके हम लोग मदद देने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार से भी हम लोग अनाज जो BPL वाले हैं उससे हटके भी लोगों को इस कोरोना महामारी में उस गरीब परिवार तक की मदद देने के लिए जो योजना बनी है उस योजना के तहत भी हम दे रहे हैं। लेकिन उन सारी योजना से भी कुछ ऐसे परिवार जो छूट गए हैं उन परिवार को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं ग्राम पंचायत के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन के माध्यम से। हमारा वो परिवार जहाँ पर कोई नहीं पहुँच पा रहा है उस परिवार तक के हम जा रहे हैं। हमारे साथ में हमारे दिनेश भाई त्रिवेदी जी हैं, एक स्वयंसेवी संगठन का काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं। उन्होंने भी ये संकल्प लिया है कि ऐसे गरीब परिवारों को मदद करने के लिए आज ग्राम पंचायत लोहारा में ऐसे दर्जन भर लोग जो छूट गए थे उन लोगों को भी हमने इस योजना इस अपने हमारे दिनेश भाई त्रिवेदी के सहयोग से उस परिवार के लोगों ने मदद करने का काम किया है। क्योंकि ये जो सर लगातार आपका भी कोरोना वायरस संक्रमण के चलते में लॉकडाउन के चलते में सब लोगों को अभी आपके तरफ से आने सब लोगों को कहना असंभव है, लेकिन जो गरीब परिवार है जिनको जरूरतमंदों को आप पूरे सहयोग करेंगे। वो खाद्यान्न की व्यवस्था के साथ साथ हम स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। अभी हमारे को जानकारी मिली कि हमारे बॉर्डर पर बहुत सारे लोग हैं, अभी हम वहीं जा रहे हैं मिलने के लिए। उन लोगों को भी स्वास्थ्य की चिंता करेंगे, उनके रहने की चिंता करेंगे, उनके खाने की चिंता करेंगे, ये सारी चीज़ों की चिंता करेंगे। हम अपने बालाघाट जिले में हर उस परिवार को की चिंता कर रहे हैं। कोई व्यक्ति हमारे जिले में भूखा न रहे इसकी चिंता कर रहे हैं। और इस कोरोना की लड़ाई से सब आप सब लोगों के सहयोग से हम इस कोरोना को हराएंगे और जीतेंगे। ग्राम पंचायत में आज विधायक जी के द्वारा में क्या सामान्य गरीबों के लिए वितरण किए गए? दाल, चावल, तेल, इस प्रकार से जो रोज की जरूरतमंद रोज की जो जरूरतमंद जो लोग होते हैं बहुत गरीब हैं। इसके पूर्व में भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चावल बांटा गया गरीबी रेखा का और अति आवश्यक उन लोगों को थी। हमें सूचना मिली सर, हमारे विधायक जी ने बताया कि बोले भैया ऐसे कोई गरीब है क्या? हमने बोला है भैया, एक दो कोई का पैर से नहीं चल सकते, कोई की तबीयत खराब थी इसके पहले, ऐसे लोगों को चिन्हित किए। लगभग 12 परिवार को विधायक द्वारा और त्रिवेदी जी के द्वारा उनको आज दाल चावल सामग्री दी। खबर समय जगत के लिए बालाघाट से संवाददाता संजय अजीत की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।